दोहराया ऑस्ट्रेलिया के लिए। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया पहुंच चुकी है, दूसरा दस्ता भी जो है वो आज मेलबर्न पहुंच चुका है, लेकिन उससे पहले अभी सीरीज स्टार्ट हुई नहीं है। कुछ लोगों ने तनकीद करना शुरू कर दी, कुछ एनालिस्ट ने भी तनकीद करना कुछ शुरू कर दिए, कुछ रिपोर्टर्स ने भी तनकीद करना शुरू कर दिए कि बाबर रिजवान ओपनिंग नहीं करेंगे। मतलब कि ये सब कह रहे हैं कि कैप्टन बदल गया, लेकिन सोच नहीं बदली है। अब कई हद तक कुछ लोग जो तनकीद कर रहे हैं उनकी तनकीद सही भी है, और कुछ लोग जो कर रहे हैं उनकी तनकीद गलत भी है। और देखा जाए पाकिस्तान की जो सक्सेसफुल ओपनिंग जोड़ी रही है वो बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की रही है। अभी तक बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ही सक्सेसफुल ओपनर नजर आए अभी तक, लेकिन कुछ लोगों को शायद ये सक्सेसफुल नजर भी नहीं आते। कई हद तक एवरेज का अगर देखा जाए, शुरुआत में पावर प्ले में जिस तरीके से खेलते हैं बहुत ज्यादा स्लो खेलते हैं, उस हद से बहुत लोग तनकीद कर रहे हैं, लेकिन उस हद से वो सही भी हैं। अगर दूसरी तरफ से देखा जाए बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को, तो दोनों सही भी हैं, क्योंकि इंग्लैंड के अगेंस्ट साल सन 2022 में 203 रन की इन्होंने पार्टनरशिप लगाई थी, अगर आपको याद होगा, कराची के अंदर साल सन 2022 में। इसके अलावा साल सन 2021 के अंदर बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ने दौरा किया था साउथ अफ्रीका का, साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो T20 सीरीज थी, सेंचुरियस के मांगाम के ऊपर 197 रन की इन्होंने पार्टनरशिप लगाई थी। इसके अलावा वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट साल सन 2021 में 150 रन की इन्होंने पार्टनरशिप लगाई थी, दोनों ने खड़े होकर पहली इनिंग का मैं आपको स्कोर बता रहा हूँ। ये बड़ी जबरदस्त ओपनिंग इनके स्टैट रहे दोनों के। टॉप जो लिस्ट होती है, टॉप 10 लिस्ट होती है, उसकी ओपनिंग बेस्ट पेयर के अंदर मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम का नाम आता ही आता है। अब कुछ लोग जो तनकीद कर रहे हैं उनके लिए सबसे पहले तो ये था, लेकिन जो तनकीद कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। देखो बाबर आजम तो चलो ऊपर ही खेलेगा, आप T20 में बाबर आजम को कैसे वन डाउन खिलाएंगे, आप सबसे पहले मुझे ये बता दो। और बाबर आजम को आप वन डाउन खिला ही नहीं सकते हैं। देखो बाबर आजम वन डाउन खेलेगा तो बाबर आजम पहले जो 20 गेंदे खेलेगा, फिर उसके बाद ही जाकर कहीं स्ट्राइक लेगा, कोई चौका छक्का लगाना होगा तो लगाएगा। वो जो ओपनिंग आकर खेलता है उसको शुरू में 2 या 3 ओवर मिल जाते हैं, उसमें भले वो रोक लेता है, फिर उसके बाद थोड़ा बहुत एक लंबा स्पेस मिल जाता है। लेकिन अगर यहाँ पर किसी को तब्दील होना चाहिए था तो वो कैप्टन मोहम्मद रिजवान को खुद तब्दील होना चाहिए था, और मैं समझता हूँ कि होना भी चाहिए, क्योंकि ये जो मौजूदा T20 स्क्वाड बनाया आपने, इसके अंदर दो नाम ऐसे हैं जो ओपनिंग में बाबर आजम के साथ रह सकते हैं अगर आप करना चाहें तो। लेकिन मोहम्मद रिजवान ने तो साफ कर दिया है कि भाई मैं ही ओपनिंग करूंगा बाबर आजम के साथ, हमारी ओपनिंग पेयर वही रहेगी। देखो माइंडसेट आपको चेंज करना पड़ेगा, आप डोमेस्टिक के परफॉर्मर लेके आए हुए, दो कड़े जबरदस्त परफॉर्मर लेकर आए, आप उनको मौका कब देंगे? हालांकि उनका हक बनता है कि वो ऊपर आकर खेले, उनको मौका मिले। ऐसे में मैं पहले नंबर पर साहिबजादा फरहान को रखूंगा, दूसरे नंबर पर उस्मान खान को रखूंगा, जिनको ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट स्क्वाड का हिस्सा बनाया गया उस्मान खान को। देखो आप खुद दूसरे तीसरे नंबर पर आकर खेल रहे हैं रिजवान साहब, बाबर के साथ उस्मान खान को भेज दें, या फिर बाबर के साथ साहिबजादा फरहान को भेज दें, एक बेहतरीन ओपनिंग जोड़ी बन जाएगी। अगर बाबर और रिजवान ने T20 के अंदर ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट ओपनिंग कर ली, फिर आप समझ लो कि हम हार गए T20 सीरीज। मैं भी तनकीद कर रहा हूँ, मैं भी इसके अंदर शामिल हो गया। वो क्यों? क्योंकि हमारे पास बाकी जो T20 के अंदर प्लेयर हैं उनके ऊपर इतना एतमाद नहीं किया जा सकता। साहिबजादा फरहान हो या उस्मान खान हो, चाहे जादाद खान हो, ये तमाम लड़के नए, और असीबुल्ला भी ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट ये पहली बार जाकर ऑस्ट्रेलिया के अंदर खेलेंगे। बाबर रिजवान तो एक लंबे अरसे से खेलते हुए नजर आ रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर, तो इसलिए मैं समझता हूँ कि रिजवान को खुद तीसरे नंबर पर आकर खेलना चाहिए, ऊपर बाबर के साथ उस्मान खान या फिर साहिबजादा फरहान को भेज देना चाहिए, क्योंकि नीचे किसी को भी इतना एक्सपीरियंस नहीं है। अगर जल्दी विकेट गिरती है तो कैसे गेम को पकड़ना है? बाबर आउट हो गया फर्ज कर लें, रिजवान आउट हो गया, तो T20 का ये सीरीज है, ये कही हमारे हाथों से, हमारी पूरी टीम आउट, क्योंकि वो तजर्बाकार प्लेयर नहीं है जो ऑस्ट्रेलिया की कंडीशन के ऊपर काम है। इसलिए यहाँ पर मैं समझता हूँ कि मोहम्मद रिजवान को थोड़ा बहुत बारीकी से सोचना चाहिए कि जो हमारा बिल्कुल नया स्क्वाड बना है उसमें जो तब्दीलियां की गई हैं, जो लड़के डोमेस्टिक से लाए गए उनको ऊपर मौका देना चाहिए, और ये हक है, उनका चांस बनता भी है ऊपर। ये इसलिए नहीं कि यार बाबर रिजवान ओपनिंग छोड़ दे, नहीं, उनकी अच्छी ओपनिंग रही है, जोड़ी सक्सेसफुल रही है, टॉप 10 में आते हैं ये दोनों, टॉप 10 बेस्ट पार्टनरशिप ओपनिंग पेयर के अंदर पहली इनिंग के अंदर ये टॉप 10 के अंदर शामिल होते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर स्क्वाड को देखा जाए तो असीबुल्ला है, उस्मान खान है, जादाद खान है, यही नाम है आपके पास, और कोई नहीं है, डोमेस्टिक के टॉप परफॉर्मर है। ऐसे में अगर बाबर और रिजवान दोनों ही ओपनिंग करेंगे तो फिर नीचे वालों का तो बेड़ा गर्क हो ही गया, ऊपर आप 10 ओवर खेल कर चले जाएंगे और जैसे ही आप आउट होंगे 70-80 स्कोर होगा, नीचे वालों से इनिंग नहीं संभाली जाएगी, वो प्रेशर नहीं झेल सकेंगे, क्योंकि ये ऑस्ट्रेलिया के विकेट के ऊपर इनकी पहली इनिंग होगी मेरे हिसाब से, ऑस्ट्रेलिया के विकेट को, चाहे साहिबजादा फरहान है
उस्मान खान है, और भी नाम है, जादाद खान को आप लेकर आए होगे, हसीबुल्ला को लेकर आए होगे, तो ये किस तरीके से वहां पर एडजस्ट होंगे। तो इसलिए यहाँ पर ओपनिंग प्लेयर चेंज करना चाहिए, मोहम्मद रिजवान को थोड़ा सा पीछे बैकअप के ऊपर आकर खेलना चाहिए, ताकि अगर शुरुआत में विकेट गिरती है तो प्रेशर ना आए छोटे प्लेयरों के ऊपर। ऐसे में उस्मान खान ओपनिंग करवा लें बाबर आजम से, या फिर साहिब दादा फरहान को करा ले। मैं तो यही एडवाइस दूंगा, आपको भी ये एडवाइस बहुत अच्छी लगी हुई, क्योंकि यार पीछे बैकअप भी होना चाहिए T20 के अंदर। लेकिन अभी बड़ा टाइम पड़ा हुआ है सीरीज के अंदर, क्योंकि आप सबको पता है कि पहले वनडे सीरीज होगी फिर T20 सीरीज होगी, कहीं ना कहीं पर थोड़ी बहुत प्लान में रिजवान को चेंजिंग करनी चाहिए। देखो आप बाबर आला माइंड से नहीं उतरो, आपको कुछ और भी करना है। आप बाबर आला माइंड लेकर उतरोगे मैदान के अंदर, तू भी आ जा बस हम खेल रहे हैं, और किसी की बैटिंग ना, ये वाला माइंड छोड़ दो, ये जो पहले गुजर गया उसको आप छोड़ दो। अब आपने जब नई टीम बनाई है तो आपको ये भी देखना है कि यार जब हम दोनों ओपनिंग करेंगे तो पीछे प्रेशर कौन झेलेगा भाई अगर हम आउट हो गए। ऐसे में रिजवान को नीचे आना चाहिए, ऊपर उस्मान, या फिर साहिब दादा फरहान, या फिर हसीबुल्ला खान को भेज दें। चलो हसीबुल्ला खान को भेज दें, लेफ्ट और राइट हैंडेड लग जाएगी ओपनरशिप पार्टनर की। बाबर हसीबुल्ला कर लें, उस्मान खान हसीबुल्ला कर रहे हैं, साहिब दादा फरहान मिडिल ऑर्डर के ऊपर आप खिला लें, लड़का जजेगा मिडिल ऑर्डर के ऊपर, इसका एक नंबर पक्का कर दें, ये वहीं आकर खेलेगा। तो ये मेरी एक एडवाइस थी छोटी सी रिजवान को, लेकिन रिजवान तक तो नहीं पहुंचेगी, आप ही तक ही पहुंचेगी। तो ये आप तक ही जो है वो एडवाइस मैं समझता हूँ कि रहनी चाहिए, क्योंकि आगे T20 जब सीरीज आएगी तो आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, उस टाइम आप मुझे याद करिएगा।